हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारा प्रेशर मेजरमेंट के सीरीज़ में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा मैनोमेट्रिक स्टार्ट मतलब हुआ है। ठीक है, तो मैनोमीटर में हमने क्या 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 डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि प्रेशर मेजरमेंट में जो सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो मैनोमीटर होता है और दूसरा जो था हमारा मैकेनिकल गेज था। मैनोमीटर में भी हमने दो टाइप का मैनोमीटर को क्लासिफाई किया था, एक तो हमारा सिंपल मैनोमीटर था और दूसरा हमारा क्या था, डिफरेंशियल मैनोमीटर था। क्लियर है? अब जो सिंपल हमारा जो मैनोमीटर था उसमें भी हमारा दो था, एक तो हमारा क्या था कि पीजोमीटर था और दूसरा था यूट्यूब मैनोमीटर। तो अगर मैं सबसे पहले ये डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूँ कि जो हमारा एक सिंपल मैनोमीटर होता है और दूसरा जो हमने देखा था क्लासिफिकेशन में डिफरेंशियल मैनोमीटर था, तो दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि जो सिंपल मैनोमीटर होता है वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा उसको हम मेजर करने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर है? जैसे अगर मान लीजिए ये एक पीजोमीटर है तो एक कंटेनर में पॉइंट ए पे कितना प्रेशर होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा उसको हम किससे मेजर कर रहे हैं, सिंपल मैनोमीटर से। वही जबकि आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर पढ़ने के लिए आए हुए हैं, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में हम लोग क्या करेंगे कि उस कंटेनर के दो अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर क्या क्या डिफरेंस हो रहा है वो हम डिफरेंशियल मैनोमीटर में कैलकुलेट करेंगे, या इसके थ्रू हम दो अलग अलग पॉइंट के डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका यूज अगर दो एक पाइप भी है और अगर पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के पाइप के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस हुआ वो भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है तो यहाँ पे हम इनके पॉइंट प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी के बीच में हम डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके हेल्प से? डिफरेंशियल मैनोमीटर के हेल्प से। ठीक है, तो मतलब डिफरेंशियल मैनोमीटर अगर जब भी आएगा तो आप मतलब डिफरेंशियल मतलब देखिए नाम में ही क्लियर है, डिफरेंट मतलब दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस को हम लोग किसे मेजर करेंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर से यूज करेंगे। और अगर मैं कल के क्लास को थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करूं तो वहां पे हमने ऑलरेडी दो जो हमारा मैनोमीटर है वो कवर किया है, एक पीजोमीटर। तो पीजोमीटर में क्या है, ऑब्वियसली अगर वो क्लासिफिकेशन आ रहा है सिंपल मैनोमीटर के अंदर में तो मतलब पीजोमीटर एज वेल एज यूट्यूब मैनोमीटर दोनों का हेल्प करेंगे हम एक इंडिविजुअल पॉइंट या किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर हम पीजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर में अगर हम डिफरेंस पता करने की कोशिश करें तो जो पीजोमीटर में जिस जो फ्लूड कंटेनर में है उसी फ्लूड के हेल्प से हम प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे एक किसी भी पॉइंट पे, जबकि यूट्यूब मैनोमीटर में क्या हो रहा था कि हमें एक अलग से मैनोमेट्रिक फ्लूड की यूज कर रहे थे जो उसका अपना खुद का भी एक एडवांटेज था, उसको भी हमने कल देखा था। तो वो आप लोग एक बार अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो वीडियो को आप एक बार जो पुराना वाला है उसको आप एक बार और देख लीजिएगा। आज अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपना डिफरेंशियल मैनोमीटर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर का हम लोग यूज़ करेंगे टू मेजर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन एनी टू पॉइंट, मतलब जो हम बोल रहे हैं वही कि अगर किसी कंटेनर के दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में अगर हमें प्रेशर का डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा तब हम डिफरेंशियल मैनोमीटर को यूज करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है? अब अगर हम डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करें तो इसमें हम दो बेसिकली इसका दो टाइप होता है, एक तो होता है हमारा यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और दूसरा होता है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। अब देखिए यूट्यूब क्यों, क्योंकि इसका जो शेप होता है कुछ यू शेप में रहता है इसलिए हम लोग इसको यूट्यूब बोल रहे हैं, और डिफरेंशियल क्यों, क्योंकि इस यूट्यूब का यूज कर रहे हैं हम लोग दो पॉइंट के बीच में प्रेशर को डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो इसलिए डिफरेंशियल मैनोमीटर। और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि यही यू को इसकी यहाँ पे हमने क्या कर दिया है इन्वर्टेड डायरेक्शन में रख दिया है इसलिए हम लोग इसका नाम इन्वर्टेड यूट्यूब के नाम से जानते हैं, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। देन अगेन डिफरेंशियल मतलब हमेशा याद रखिएगा डिफरेंशियल मैनोमीटर मतलब कि हमें दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। क्लियर है?
तो ये हमारा हो गया आपका यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, क्लियर है। तो अब हम लोग अपना मूव करते हैं, पहला वाला जो केस है हमारा वो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के ऊपर। तो अब देखिए जो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है यहाँ पे हमें ये देखना है, जैसे कल वाले पोर्शन में हमने देखा था कि जो यूट्यूब मैनोमीटर है वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक हमने डायग्राम हमने बनाया था और वहाँ पे हम प्रेशर को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। सेम यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्रेशर एट पॉइंट ए और प्रेशर एट पॉइंट बी दोनों पॉइंट के बीच में कितना प्रेशर का डिफरेंस होगा वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो अब अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम लोग बेसिकली तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो तीन तरीका क्या है वो आज की क्लास में देखने वाले हैं। और आपको मैं एक चीज़ और रिकॉल करने की कोशिश करूं कि जब भी मैनोमीटर हम लोग का को न्यूमेरिकल बनाएंगे तो तीन बातें नोट करके भी हमने कल लिखा है क्या क्या याद रखना है। अगर हम मैनोमीटर में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तब हमारा जो प्रेशर होगा वो हम क्या लेंगे कि पॉजिटिव, कब, वेन हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे अगर पॉइंट ए और पॉइंट एफ के बीच में प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो ए से एफ की तरफ आएंगे तो जितना प्रेशर एट ए डैश पे होगा उसमें ऐड कर देंगे ये, और अगर एफ से ए की तरफ जाएंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब जब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो प्रेशर को पॉजिटिव लेंगे और जब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तब हम प्रेशर को निगेटिव लेंगे। ये दो पॉइंट तो आई थिंक आपको पहले पिछले क्लास में भी क्लियर हो गया होगा। और तीसरा चीज़ हमें ये याद रखना है कि अगर सेम फ्लूड अगर कनेक्टेड हैं, सेम फ्लूड अगर कनेक्टेड हैं तो उनके दो हॉरिजॉन्टल लेयर पे जो प्रेशर होने वाला है वो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। यानी कि यहाँ पे देखिए पॉइंट ए ए डैश सेम फ्लूड से साथ कनेक्टेड है तो, और दोनों हॉरिजॉन्टल लेयर पे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट ए डैश। और कहाँ पे कनेक्टेड है सेम फ्लूड, ये वाला जो फ्लूड है वो भी कनेक्टेड है तो यानी प्रेशर एट एफ इक्वल टू प्रेशर एट डी हम लिख सकते हैं। सेम फ्लूड से कनेक्टेड है, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेयर पे हैं। और कहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉइंट बी और पॉइंट ए सेम फ्लूड के साथ कनेक्टेड हैं और सेम हॉरिजॉन्टल लेयर पे हैं, यानी प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी डैश। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि अगर सेम फ्लूड जो कि कनेक्टेड रहेगा तो उनके हॉरिजॉन्टल लेयर पे जो प्रेशर होने वाला है वो क्या होने वाला है, इक्वल होगा, क्लियर है। तो अगर ये तीन कंसेप्ट अगर आपको पता है तो इसी तीन कंसेप्ट के बेसिस पे मैनोमीटर का कितने भी टाइप का कितना भी हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल हो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, क्लियर है। तो ये तीन चीज़ हमने तो ऑलरेडी नोट डाउन किया है। तो अब हम डायरेक्ट मूव करते हैं कि कैसे हम ये यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का मैनोमीटर की हेल्प से दो पॉइंट के बीच में हम प्रेशर को डिफरेंस को निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखिए पहला देखते हैं कि हम ए से मूव करेंगे बी तक, ठीक है। तो ये वाले केस में हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए प्रेशर एट पॉइंट ए, तो हमने उसको कंसिडर किया कि मान लेते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए पे है वो पी ए है प्रेशर। अब जो यहाँ पे प्रेशर होगा वही ए डैश पे भी प्रेशर होगा, ये तो आपको पता ही है क्योंकि सेम फ्लूड सेम हॉरिजॉन्टल लेयर है तो हमको ए डैश पे भी प्रेशर का पता चल गया। अब हमें पॉइंट क्योंकि डी तक मूव करना है तो इस तरीके से मूव करते हुए बी तक जाएंगे तो अब ए डैश पे हमको पता चल गया जो कि इसी के बराबर पी ए के बराबर है। तो अब एफ पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है। नीचे की तरफ जाएंगे तो हमेशा प्रेशर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस, अब देखिए कौन सा फ्लूड है, तो रो वन फ्लूड है, मतलब कि इस फ्लूड की डेंसिटी क्या है, रो वन है। तो क्या हो जाएगा हमारा, रो वन जी हाइट एच वन। तो हमें प्रेशर एफ, प्रेशर एट पॉइंट एफ पता चल गया। अब अगर मैं चाहूँ तो एक स्टेप ये भी लिख सकता था कि अगर ये हाइट एच थ्री लिखा हुआ है तो एफ से सी तक आने में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा कौन सा फ्लूड, रो टू वाला फ्लूड है जी इंटू एच थ्री। और अब जी सी से डी तक जाएंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा। या हम डायरेक्ट अगर नेक्स्ट स्टेप जब हम भी लिखेंगे तो हम डायरेक्ट एफ
से डायरेक्ट डी तक मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर एट एफ इक्वल टू प्रेशर एट डी हो जाएगा, क्योंकि सेम फ्लूड और हॉरिजॉन्टल लेयर पे है। क्लियर है? तो या तो आप ये वाला स्टेप को स्किप भी कर सकते हो या आप लिख भी सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो कट ही जाएगा। तो एफ से सी आए और फिर सी से डी आए तो वो निगेटिव हो गया। अब डी से ई मूव करेंगे देन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा प्रेशर क्या होने वाला है? निगेटिव होने वाला है। तो रो टू जी और हाइट क्या है यहाँ पे? एच। तो ये हो गया हमारा रो टू, क्योंकि ये फ्लूड रो टू है इसकी डेंसिटी, हाइट एच इंटू जी तो रहेगा ही। तो हम पॉइंट ई तक आ गए। अब ई से बी डैश पे देन अप गेन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस रो वन जी इंटू एच टू, हाइट है एच टू और फ्लूड का डेंसिटी है रो वन, तो हम पॉइंट बी पर आ गए। अब एक बात बताइए, प्रेशर एट पॉइंट बी मतलब वही प्रेशर एट बी डैश, अभी हम यहाँ तक इधर से मूव करते हुए बी डैश पे पहुँच गए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। यानी कि हम बी डैश को बोल सकते हैं कि हम पॉइंट बी तक पहुँच गए। तो इधर से ये जो जितना भी प्रेशर हमने कैलकुलेट करके लाए हुए हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड में गया है, वो किसके इक्वल होगा? ये सारा प्रेशर का वैल्यू इक्वल होने वाला है प्रेशर एट पॉइंट बी पे, जो हमने यहाँ से मूव करते करते पॉइंट बी डैश या बी डैश को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बी पे पहुँचे। तो ये सारा जो प्रेशर को आपने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू किसके बराबर होने वाली है? प्रेशर एट बी तक पास ही तो होने वाली है ना, तो इक्वल टू हम प्रेशर एट बी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखिए एक बार और हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। प्रेशर एट पॉइंट ए हमने हमको ए पॉइंट पे हम प्रेशर पी ए कंसिडर कर ले रहे हैं। अब ए तक तो वही सेम फ्लूड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, सेम कनेक्टेड फ्लूड, सेम हॉरिजॉन्टल लेयर, तो ए डैश पे भी वही वाला प्रेशर पी ए ही होगा। अब एफ तक आने के लिए नीचे आ रहे हैं, तो रो वन जी इंटू एच से मल्टीप्लाई, एच वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर एट एफ इक्वल टू प्रेशर एट डी, या इधर से भी मूव करेंगे तो ये तो इकट ही जाएगा। तो जो एफ पे प्रेशर है वही डी पे प्रेशर होगा। अब डी से ई मूव करेंगे तो क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस होगा, डेंसिटी है यहाँ पे रो टू, हाइट है एच, तो रो टू जी इंटू एच। और ये वाला पोर्शन किसके कारण आया है? इसके कारण आया है। एफ से सी तक जाएंगे नीचे की तो प्लस और सी से डी करेंगे तो उतना ही माइनस, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अब रो टू डी से ई तरफ गए तो रो टू फ्लूड का डेंसिटी एच हाइट मतलब, और ऊपर जा रहे हैं तो माइनस रो टू जी इंटू एच। फिर ई से बी की तरफ, ई से बी डैश की तरफ जाएंगे तो रो वन डेंसिटी एच टू हाइट, तो माइनस रो वन जी एच टू। अब बी पे पहुँच, बी डैश पे पहुँच गए, यानी कि हम बी पे पहुँच गए, तो बी पे पहुँच गए मतलब इधर से जो हमने कैलकुलेट करके आया वो किसके बराबर इक्वल होने वाला है? प्रेशर एट बी पे होने वाला है। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करें कि अगर हमारा पी ए माइनस पी बी क्या होगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पी ए माइनस पी बी इक्वल टू, देखिए ये वाला पोर्शन तो हमारा कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इक्वल टू में हम लिख सकते हैं रो टू जी एच, ये जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस रो वन जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन, ये हमारा मिल गया। प्रेशर एट पॉइंट ए और प्रेशर एट पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो रो टू जी एच प्लस रो वन जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन, ये हमें आया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं बी से क्या ए की तरफ मूव करेंगे तो क्या हमारा यही सेम चीज़ आने वाला है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, तो प्रेशर एट बी को हमने कंसीडर किया कि बी पॉइंट पे प्रेशर पी बी है, वही प्रेशर बी डैश पे भी हो जाएगा हमारा। अब बी से ई तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस एड करना पड़ेगा, किस कितने का, रो वन जी एच टू का, एच टू हाइट रो वन डेंसिटी, तो रो वन जी एच टू। अब और नीचे डी, ई से डी पे आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर प्लस, लेकिन डेंसिटी चेंज हो जाएगा, रो टू जी एच हो जाएगा, रो टू जी एच हो जाएगा।
अब मैं डी से डायरेक्ट, मतलब डी पे जो प्रेशर होगा वही एफ पे, तो मैं डी से डायरेक्ट यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, क्योंकि इसके कारण, देखिए इसके कारण डी से सी जाएंगे तो उतना निगेटिव पॉजिटिव, और डी से एफ जाएंगे उतना ही निगेटिव, तो मैं वो स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट जो प्रेशर है डी होगा वही प्रेशर है एफ होगा। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि पॉइंट एफ पर आ गया। अब एफ से ए डैश जाना है, मतलब ऊपर की तरफ जाना है, तो निगेटिव, तो कितना निगेटिव, माइनस रो वन जी एच वन, रो वन डेंसिटी फ्लूड का है, एच वन हाइट है, और ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं इसलिए माइनस। अब ए डैश पे आ गए, ए डैश पे आ गए मतलब ए पे आ गए, क्योंकि जो ए डैश पे प्रेशर होगा वही ए डैश पे होगा, तो मतलब इधर से मूव करते हुए जो आया, जितना प्रेशर कैलकुलेट यहाँ तक आया, वो राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वही प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर हो जाएगा हमारा, क्लियर है ये। अब देखिए क्या पी ए माइनस पी बी की वैल्यू जो पहले था वही मिल रहा है, अगर पी ए माइनस पी बी मतलब इसको इधर ले गया और बाकी सबको छोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल रहा है, रो वन जी एच टू प्लस रो टू जी एच माइनस रो वन जी एच वन, क्या दोनों सेम है, देखिए रो टू जी एच, रो टू जी एच प्लस रो वन जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन, मतलब इस केस में भी हमारा क्या हो गया, ये जो प्रेशर का डिफरेंस है पॉइंट ए एट ए और पॉइंट एट बी दोनों इक्वल हो गया। अगर हम इधर से मूव करके यहाँ पे पहुँचे या इधर से मूव करके यहाँ पे आए, दोनों केस में देखिए हमने ये शो कर दिया कि जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया है, हमारा इक्वल हो गया है। अब एक थर्ड भी हम कर सकते हैं, क्या कि अगर मैं ये रेफरेंस मानूँ कि प्रेशर एट एफ इक्वल होना वाला है प्रेशर एट डी, तो मैं इस साइड का कैलकुलेट कर लूँ या यहाँ पे मैं लिख लूँ, थर्ड अब देख लीजिए, प्रेशर एट एफ इक्वल टू प्रेशर एट डी, दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, तो एफ तक अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ए और प्लस रो वन जी एच वन, प्रेशर एट ए मतलब ए डैश पे भी वही प्रेशर होगा, और यहाँ पे ऐड करेंगे रो वन जी एच वन का, तो प्रेशर एट एफ निकल गया। अब मैं डी का कैलकुलेट करता हूँ इधर से, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर एट बी यहाँ तक आ गए प्लस रो वन जी एच टू, रो वन जी एच टू और फिर प्लस रो टू जी एच डी तक, तो प्रेशर एट एफ इक्वल टू प्रेशर एट डी हो गया। अब मान लीजिए मैं पी ए माइनस पी बी निकालूं तो क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू रो वन जी एच टू प्लस रो टू जी एच माइनस रो वन जी एच वन, क्या आप मिलाइए कि इसमें सेम है क्या, रो वन जी एच टू प्लस रो टू जी एच माइनस रो वन जी एच वन, मतलब हम तीनों केस में प्रेशर का पी ए माइनस पी बी कैलकुलेट किए तो हमारा वैल्यू क्या आया, इक्वल आ गया। मतलब इस तरीके से बनाने का मतलब ये था कि कोई भी आप एक पर्टिकुलर स्टेप को लेके आप बना सकते हो, या तो आप ए से बी की तरफ मूव करो, या बी से एफ की मूव करो, या ये फाइंड आउट कर लो कि कहाँ पे जो हमारा फ्लूड है, जो सेम फ्लूड है, वो कनेक्टेड फ्लूड है और दोनों के हॉरिजॉन्टल लेयर पे प्रेशर इक्वल होने वाला है, तो इधर से वो कैलकुलेट कर लो, इधर से कैलकुलेट कर लो। तो आई थिंक जब थर्ड वाला केस अगर आप थर्ड वाला स्टेप फॉलो करोगे फ्यूचर में तो वो ज़्यादा ईजी रहता है, बट आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर वो सेम कनेक्टेड फ्लूड है और दोनों का जो हॉरिजॉन्टल लेयर है वो इक्वल होने वाला है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का ये जो कैलकुलेशन है प्रेशर डिफरेंस का, वो हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अब हम लोग इन्वर्टेड यूट्यूब का भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे कैलकुलेट किए वो इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है। उसको आप लोगों को वो नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियोज़ को बहुत स्लो स्पीड करके बार बार देखिए, कैसे नहीं आएगा, क्लियर आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल वे में बताया गया है। तो होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि यहीं पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
चलिए तो अब हम लोग इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि प्रेशर डिफरेंस क्या होने वाला है। तो हम ए से बी की तरफ पहले मूव करते हैं। तो देखिए लिखते जाते हैं प्रेशर एट ए, पॉइंट ए पे प्रेशर पता चल गया। अब मान लीजिए हमने इसको ए डैश नाम दे दिया है, इसको बी पॉइंट है तो ई नाम दे दिए हैं, इसको ई हो गया तो इसको हम लोग सी नाम दे देते हैं, और इसको डी, और ये पॉइंट बी डैश हो जाएगा हमारा। अब देखिए तो प्रेशर एट ए वही ए डैश के बराबर पे होगा, और ये जो हाइट है एच वन है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और डेंसिटी क्या है रो वन है, तो माइनस रो वन जी एच वन हो जाएगा, रो वन जी एच वन ई पॉइंट तक आ गया। अब ये सेम फ्लूड है ना, ये रो टू जो फ्लूड है, और जो हॉरिजॉन्टल लेयर भी सेम है, यानी प्रेशर एट ई इक्वल टू प्रेशर एट सी होगा। तो अभी तक हमारा ये जो प्रेशर है वो कहाँ तक आया था, सी तक आया था, ई तक आया था, वही इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी के बराबर हो गया। तो मतलब हम पॉइंट सी तक पहुँच गए। अब सी से डी आना है तो प्लस एड करना पड़ेगा, हाइट कितना है एच, फ्लूड का डेंसिटी क्या है रो टू, तो रो टू जी एच, क्लियर है, हम पॉइंट डी तक आ गए। अब बी डैश पे आना है तो माइनस रो वन जी एच टू, तो हम पॉइंट बी डैश पे आ गए। बी डैश पे आ गए मतलब वो पॉइंट प्रेशर एट बी के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब वो प्रेशर बी के बराबर होने वाला है। तो अब डिफरेंस निकाल लें, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वन जी एच वन, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा रो वन जी एच टू, और ये माइनस हो जाएगा माइनस रो टू जी एच, क्लियर है। तो ये हमारा मिल गया अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो। अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए तब हमें क्या मिलता है, तो देखिए प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी वही बी डैश के बराबर होगा, डी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस रो वन जी एच टू, रो वन डेंसिटी एच टू हाइट, तो माइनस डी तक। अब सी तक जाएंगे तो दे अगर माइनस रो टू जी इंटू हाइट एच। अब जो प्रेशर सी पे होगा वही प्रेशर ई पे होगा, सेम फ्लूड है कनेक्टेड और प्लस हॉरिजॉन्टल लेयर है, तो प्रेशर एट पॉइंट ई इक्वल टू प्रेशर एट सी। तो मतलब हम ई पे आ सी से डायरेक्ट ई पे भी मूव कर सकते हैं। अब ई से ए डैश पे आने के तो प्लस रो वन जी एच वन, मतलब ए डैश पे आ गए, ए डैश पे प्रेशर मतलब वो किसके इक्वल होने वाला है, राइट है। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी प्रेशर एट ए होने वाला है। तो अब हम डिफरेंस निकाल लें, तो अगर पी ए अगर बी को इधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, बाकी सबको रहने दें, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा रो वन जी एच वन, क्लियर है, कहीं पर गलत हुआ है क्या, प्रेशर एट पॉइंट बी पे हमने निकाला है, ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा रो वन जी एच टू हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो रो टू जी एच ये भी हो जाएगा, और फिर यहाँ आएंगे तो रो वन जी एच वन आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे कोई निगेटिव साइन का कुछ हो रहा है। चलिए देखते हैं रो वन तो क्या क्या बचेगा हमारा, रो वन जी एच वन बच जाएगा, माइनस रो टू जी एच हो जाएगा, और फिर माइनस रो वन जी एच टू हो जाएगा। अच्छा थोड़ा अलग आ रहा है, इसमें हमने क्या गलती कर दिया देख लेते हैं, प्रेशर एट ए हमने निकाल लिया पी ए, माइनस रो वन ऊपर की तरफ जाएंगे तो रो वन जी एच वन आ जाएगा, यहाँ पे आ गए यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट, तो प्लस रो टू जी एच आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने एक गलत किया हुआ है, अगर रो टू जी एच आ रहा है तो भाई यहाँ पे ये प्लस ना हो जाएगा, अगर डी से बी की तरफ मूव करेंगे तो रो वन जी एच टू हो जाएगा, यहीं पे देखिए गलती हो गया था। देखिए यही गलती होता है, ये टीचर भी गलती हो रहा है कि प्लस माइनस का, मतलब वो ऑब्वियसली नीचे मूव कर रहे हैं तो हमें क्या होना है प्लस ही होना है, और अगर अपवर्ड मूव करेंगे तो हमें क्या होना है निगेटिव लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या निगेटिव लिख दिया था, जबकि होगा क्या पॉजिटिव होगा, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग
एक बार अपने स्टेप को देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे पास कंसेप्ट नहीं है, मुझे, मैं खुद बता रहा हूँ कि नीचे मूव करेंगे तो पॉजिटिव, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हमको पता है लीक बोल, दिमाग में कुछ और चल रहा है, लीक कुछ और रहे, इसलिए हमारा यहाँ पे देखिए निगेटिव छूट गया था। तो एक बार और हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो तो, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ए, अब वही प्रेशर ए डैश के भी बराबर हो जाएगा, अब ऊपर मूव कर रहे हैं तो पॉइंट ई की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमें क्या होना है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव होना है, तो माइनस रो वन, रो वन डेंसिटी है जी इंटू एच वन, क्लियर है, तो ये वाला पोर्शन हो गया। अब प्रेशर एट ई पे हमें पता चल गया तो हम उसको डायरेक्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं कि प्रेशर एट सी भी वही होगा। अब अगर हम सी से डी की तरफ आएँ तो नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव क्या होगा, क्योंकि डेंसिटी रो टू है तो रो टू जी और हाइट एच है, तो ये हो गया एच, प्लस डी से अगर हम बी पे आ रहे हैं तो भी यहाँ पे क्या होगा, प्लस ही होगा, हमको ये दिमाग में था प्लस लेकिन लिख दिए कहते निगेटिव, इसलिए डिफरेंस आ रहा था, तो हमारा क्या हो जाएगा रो वन जी इंटू एच टू, तो हम पॉइंट बी डैश पे आ गए, बी डैश पे प्रेशर तो मतलब हम बी पे पहुँच गए क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेयर पे है। तो अगर हम ये बोलें कि ये वाला जो पोर्शन है वो राइट हैंड साइड का है तो इक्वल टू लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में वो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पी बी। तो अगर हम पी ए माइनस पी बी लिखें और बाकी सबको एक साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव प्लस है वो निगेटिव हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो रो वन जी एच वन या तो प्लस ही रहेगा, माइनस रो वन जी एच टू और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस रो टू जी एच, तो ये हमारा वैल्यू आया। अब हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रेशर एट बी वही बी डैश के बराबर होगा, देन डी पे जाना है तो अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा, तो कितना निगेटिव होगा, रो वन डेंसिटी है और हाइट कितना है एच टू है, तो माइनस रो वन जी एच टू। अब D से C की तरफ मूव कर रहे हैं तो डेंसिटी रो टू हाइट h, तो माइनस रो टू जी एच, रो टू जी एच, और दो प्रेशर, जो प्रेशर C पे है वही E पे है, मतलब C से डायरेक्ट हम E पे मूव कर सकते हैं। अब E से अगर A डैश आना है तो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव होने वाला है, तो रो वन जी एच वन, रो वन इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, h1 हाइट है। अब ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए तो इक्वल टू पी ए के बराबर होगा, तो अब बी को इधर ले जाएं, मतलब पी ए माइनस पी बी को बाकी छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, रो वन जी एच वन माइनस रो टू जी एच माइनस रो वन जी एच टू, क्या वो इसके बराबर आ रहा है, रो वन जी एच वन माइनस रो टू जी एच माइनस रो वन जी एच, यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन है अब सही है, अभी इसके पहले जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे वो माइनस हमने गलती से, मतलब प्लस लिखने की जगह माइनस लिख दिए थे, तो ठीक है। अब एक और स्टेप ये वाला कि वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ पे प्रेशर तो सेम होने वाला है, मतलब जनरली देखिए वो पॉइंट वहीं पे होता है जो मैनोमेट्रिक फ्लूड होगा उसका, वो पॉइंट देखिए जहाँ पे वो किसी एक पर्टिकुलर फ्लूड के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे देखिए अगर ये मैनोमेट्रिक फ्लूड यहाँ पे है तो अगर मैं पॉइंट यहाँ पे इसका एंड पॉइंट हो रहा है तो क्या हमें इसको मिलाऊंगा तो सेम कनेक्टेड फ्लूड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर इस एंड को देखें और इसको कनेक्ट तो सेम कनेक्टेड फ्लूड है, तो सेम कनेक्टेड फ्लूड है, मतलब प्रेशर एट ई इक्वल टू प्रेशर एट सी लिखा जा सकता है, प्रेशर जो ई पे होगा वही प्रेशर सी पे होगा। अब इस साइड से कैलकुलेट करके प्रेशर एट ई तक पहुँच जाइए तो क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ई ए तक, एट ई तक पहुंचने के लिए पी ए, पी ए उसमें माइनस कर दीजिए कितना का, रो वन जी एच वन का, रो वन जी एच वन का माइनस कर लीजिए तो ये प्रेशर एट ई आ जाएगा। अब सी पे आ जाइए, सी पे हम कैसे आ सकते हैं यहाँ से, तो प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी में माइनस कर लीजिए रो टू, नहीं 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 रो वन होगा, रो वन जी एच टू का, रो वन इज डेंसिटी एच टू हाइट, और फिर माइनस करना पड़ेगा माइनस रो टू जी एच का, यही हो जाएगा। ई तक जाने के लिए पी ए माइनस यहाँ कर लिया तो ई तक का आ गया, सी तक आने के लिए पी बी माइनस
रो वन जी एच वन माइनस रो टू जी एच टू। अब इसका डिफरेंस बताइए कि क्या आ रहा है क्या, तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो रो वन जी एच वन, और जो बाकी रहेगा तो नेगेटिव टर्म्स में रो वन जी एच टू माइनस रो टू जी एच। तो अब हम मिलाते हैं कि क्या जो पहले हम लोग दो बार में कैलकुलेट किया क्या वही आ रहा है, रो वन जी एच वन रो वन जी एच वन रो वन जी एच वन माइनस रो वन जी एच टू माइनस रो वन जी एच टू माइनस रो वन जी एच टू माइनस रो टू जी एच माइनस रो टू जी एच माइनस रो टू जी एच। मतलब तीनों केस में हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है प्रेशर डिफरेंस। देखिए टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्लियर है। और तीन बात का याद रखना है, प्रेशर अगर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो निगेटिव लेना है, नीचे की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव लेना है, और वो पॉइंट जहाँ पे सेम कनेक्टेड फ्लूड होगा वहाँ का अगर हॉरिजॉन्टल में हम मूव करेंगे तो हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट दो पॉइंट के बीच में प्रेशर जो है वो सेम होने वाला है। मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेयर पे सेम फ्लूड अगर है वहाँ पे फिलअप है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो हमने यूट्यूब के लिए भी निकाल लिया, यूट्यूब डिफरेंशियल के लिए और इन्वर्टेड के लिए भी तीन अलग अलग केस में, या तो आप इधर से मूव करके यहाँ जा सकते हैं या यहाँ से लेके यहाँ आ सकते हैं, या वो फाइंड आउट प्रेशर वो पॉइंट प्रेशर कर सकते हैं जहाँ पे प्रेशर इक्वल होने वाला है। तो एक साइड से निकाल के और दूसरे साइड से निकाल के दोनों को इक्वेट कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं एज वेल एज अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मतलब न्यूमेरिकल से साथ स्टार्ट करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, और न्यूमेरिकल जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा एक जो बॉर्डन गेज वाला है वो वाला पोर्शन को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल देखते हैं। थैंक यू।